दोस्तों, अगर आप चाहते हो पार्टनर आपको छोड़कर कभी ना जा पाए और कहीं नहीं जा पाए, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको तीन ऐसे रहस्य के बारे में बताऊंगी, जिसको अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई करोगे तो पार्टनर आपको लिटरली कभी भी छोड़कर नहीं जा पाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है सबके लिए, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, सबके लिए। क्योंकि दोस्तों, हर किसी के मन में ये डर तो चलता ही रहता है कि पार्टनर कहीं मुझे छोड़कर ना चले जाए, पार्टनर कहीं मुझे धोखा ना दे दे। तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीज़ अगर आप समझ लिए तो पार्टनर आपको कभी भी नहीं छोड़ के जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीपर्णाश्री चैनल में न्यू हो तो आप भी सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट को समझ लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, यह है दोस्तों सेल्फ लव। अगर आप सेल्फ लव करते हो, मतलब कि खुद को प्यार करते हो, इससे आपका क्या क्या होता है मैं अभी आपको बताती हूँ। अगर आप खुद को प्यार करोगे तो आप फिजूल लोगों के पीछे नहीं पड़े रहोगे। आप लोग क्या गलती करते हो, खुद को प्यार करना भूल जाते हो। जैसे आप किसी के प्यार में पड़ते हो तो सुध-बुध खो के उसके पीछे ही पड़ जाते हो, ठीक है। ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है। अगर आप सामने वाले के पीछे पड़ जाओगे हाथ पैर धो के, तो यहाँ पे आप अपने ऊपर बेईमानी कर रहे हो, आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो। जो खुद को प्यार करेगा वो दूसरों के पीछे क्यों पड़ जाएंगे। तो आप लोग दूसरों के पीछे पड़ जाते हो और खुद को भूल जाते हो, ये सबसे बड़ी बेईमानी होता है खुद के साथ। तो ऐसा मत करो, पहले खुद को प्यार करो। खुद को प्यार करना कोई स्वार्थी लोगों का लक्षण नहीं है, खुद को प्यार करना तो सबका परम कर्तव्य है। सेल्फ लव आपको करना चाहिए। अगर आप खुद को ही प्यार नहीं करोगे तो आप आशा भी कैसे कर सकते हो कि लोग आपको प्यार करेंगे। अगर आप जैसे हो, खुद को आप एक्सेप्ट ही नहीं करते हो अच्छे से, आपको लगता है मेरा ये खराब है, मेरा वो खराब है, मैं इतना बुरा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो सामने वाला भी वैसा ही करेंगे आपके साथ। सामने वाला भी आपके साथ कुछ अच्छा बिहेवियर नहीं करेंगे। इसीलिए दोस्तों, आपको हमेशा सेल्फ लव करना ही चाहिए। खुद को प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप खुद को प्यार करते हो, सामने वाले को ये रियलाइज़ होता है कि ये बंदा बेफिजूल का लोगों के पीछे पड़ने वालों में से नहीं है, इसका सबसे पहले अपना काम प्रायोरिटी में रहता है, ये खुद को प्यार करता है, खुद को रेस्पेक्ट करता है, फिर जाके ये दूसरों पे ध्यान देता है, ये दूसरों के पीछे पड़ता ही नहीं है। जब ये चीज़ उसको फील होगा तो वो आपको कभी नहीं छोड़ के जा पाएगा। ये साइकोलॉजी है दोस्तों। अगर आप किसी के भी पीछे पड़ जाते हो तो वो बहुत जल्दी आपसे ऊब जाते हैं। और जब आप किसी के पीछे नहीं पड़ते हो और उसको स्वतंत्र छोड़ देते हो, तब ऑटोमेटिकली वो आपसे अट्रैक्ट होते हैं। तो वो अगर आपसे अट्रैक्ट होंगे तो छोड़ के जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब दोस्तों, दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हर किसी के माथे पे एक बोझ टंगा है। ऐसा भी इमेजिन कर लेना कि हर किसी के माथे पे एक बोझ टंगा है। जितना भी लोग आपको दिख रहा है ना इस दुनिया में, हर किसी के माथे पे एक बोझ टंगा है जिसमें लिखा है आई एम स्पेशल, ठीक है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में एकदम से आप बसा लो या फिर कहीं पे नोट कर लो। मतलब कि हर एक इंसान खुद को स्पेशल समझते हैं। और अगर आप यही चीज़ करते हो, मतलब सामने वाले को थोड़ा सा स्पेशल फील करवाते हो, तो दोस्तों आप नहीं जानते आप कितनी बड़ी बाजी जीत जाओगे। और ये सिर्फ लव रिलेशनशिप के लिए नहीं, अगर आप बिजनेस भी करते हो कोई, और बिजनेस में भी आप अपने कस्टमर को स्पेशल फील करवाते हो, तो वो बिजनेस भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। आप देखे होंगे ऐसे दुकानदार को जो उसके दुकान पे आए हुए खरीदार के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं, तो उसका दुकान ज़्यादा नहीं चलता है। आप खुद भी उसके दुकान पे जाना नहीं पसंद करते हो। और अगर ऐसे किसी दुकान पे आप जाते हो, वहाँ का दुकानदार आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं, आपको स्पेशल फील करवाते हैं, तो आप घूम फिर के उसी दुकान पे जाना चाहते हो। तो दोस्तों, एक सामान की ही तो बात है, लेकिन फिर भी आप उसी दुकान पे जाना पसंद करते हो जहाँ पे आपको स्पेशल फील करवाया जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों, हर एक इंसान चाहता है कि मुझे सामने वाला स्पेशल फील करे, क्योंकि हर कोई अपने आप को स्पेशल ही समझता है। इसीलिए दोस्तों, आपको सामने वाले को हमेशा
स्पेशल फील करवाना है। अब देखो, हमेशा अगर पॉसिबल ना हो, कभी कभी तो ज़रूर करवाओ, कभी कभी तो उसको समझाओ कि तुम कितना स्पेशल हो, मैं कितना लकी हूँ कि मैंने तुम्हें पा लिया है, इस तरह की बातें करो कभी कभी, ठीक है। हमेशा ना हो सके कभी कभी करो, देखो कैसे वो आपके प्यार में एकदम से पागल हो जाते हैं। छोड़ के जाने का तो आप भूल ही जाओ, छोड़ के जाने का कोई सवाल ही नहीं होगा अगर आप सामने वाले को स्पेशल फील करवाते हो तो। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट में आते हैं। थर्ड जो पॉइंट है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अभी जो दो पॉइंट में बताए उससे भी कहीं गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यह है दोस्तों अनकंडीशनल लव। अगर आप सामने वाले से हमेशा कुछ लेने के चक्कर में होगे, चाहे पैसा ले रहे हो, चाहे उससे फिज़िकल करना चाहते हो, चाहे उससे समय ले रहे हो, चाहे कुछ भी चीज़ आप उससे लेना चाहते हो, तो फिर आप दोनों का रिश्ता टूटने का बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगा। और अगर सामने वाले को ये फील होगा कि ये इंसान मुझसे कुछ भी नहीं लेना चाहते, सिर्फ मुझे देना चाहते हैं, चाहे प्यार हो वो आप दे रहे हो, चाहे पैसा हो आप दे रहे हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, आप हमेशा देने में हो, आप लेने के लिए तैयार नहीं हो, आप देना चाहते हो, आपको मैं पैसा नहीं देने के लिए बोल रहा हूँ, प्यार ही देने की कोशिश करो। हम लोग सब मांगते रहते हैं भिखारी की तरह, सिर्फ हम बोलते हैं मुझे प्यार करो, मुझे प्यार दो, मुझे ये दिला दो, मुझे वो गिफ्ट दिला दो, ये दो वो दो, हम सिर्फ मांगते हैं। तो मांगने की वजह आप क्या करो, देने में विश्वास करो, देने में यकीन करो। अगर आप अपने आदत में देने को डाल लिए ना, तो फिर इस जिंदगी में आप बाजी जीत जाते हो। आप उसको हमेशा अनकंडीशनल लव करो, जितना हो सके दो, मांगो मत, जितना मांगोगे उतना ही आप गरीब हो जाओगे, जितना दोगे उतना ही आप सम्राट हो जाओगे। तो आप देने में यकीन रखो, दो और अनकंडीशनल लव करो, फिर देखो पार्टनर आपको कभी भी नहीं छोड़ के जाएंगे इस जन्म में, तो क्या 7 जन्म में वो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो श्रीपा नर्सरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकॉन दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली कोई वीडियो आप मिस ना करो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।